वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग बाय द इंडियन सेलर। ब्लॉग डालने में कभी कभी मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, कॉज मैं खुद भी घूमने में काफ़ी बिजी हूँ। बट थ्रू दिस ब्लॉग आई शेयर सिमिलर एक्सपीरियंस विच आई गो थ्रू इन माई ट्रैवल। सो इन दिस ब्लॉग आप देखेंगे हाउ वी फाइनली रीच्ड रुद्रधारी फॉल्स इन कांताली विलेज। एंड हमारा ट्रैक कांताली विलेज से रुद्रधारी फॉल्स तक का, जो करीब 2 से 3 किलोमीटर का है, वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा। और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त था रुद्रधारी फॉल्स का वो वाटरफॉल, जहां आप फाइनली हमारी मस्ती देखेंगे इस ब्लॉग में। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग एंड एक्सप्लोर द ट्रैक विद मी। आवाज़ आ रही है भाई झरने की, बहुत ज़बरदस्त। साइड से अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। सो चप्पल पहनना यहाँ पे सही डिसीजन है भाई। पानी एकदम ठंडा, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। ऊपर देखो आप यार, ऊपर किस तरह का नज़ारा है। काफ़ी ऊंची पहाड़ी है। पानी बिल्कुल ठंडा पानी है भाई, इसमें जाने में हालत ख़राब हो जाएगी। झरने में जाने में हालत ख़राब होने वाली है। झरने में वही पानी बहुत ठंडा है। प्लास्टिक डाल रखा है, डस्टबिन बना दिया है पेड़ को। और ये लोग हमारे भाई लोग आगे, इसलिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं है क्या, ये चलना बहुत पड़ता है। सो गाइज, अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं लोकेशन पे। थोड़ा सा और चढ़ना है, तो ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि कम ट्रैकिंग है। किस तरह का यहाँ पे पानी के झरने वगैरह है। और बस थोड़ी देर और थोड़ा सा चढ़ान चढ़नी है और फिर हम लोग शायद पहुंच जाएंगे। कितनी भीड़ है भाई ऊपर? ऊपर भीड़ है, काफ़ी लोग हैं। ना ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा, 10 to 9 ऐसी कुछ। चलो धन्यवाद। 9 से 10 लोग हैं अभी, ये अच्छी बात है। बट टाइम काफ़ी हो गया, ऑलमोस्ट अभी शाम का जो है अभी 4 बज रहा है। क्योंकि अंधेरा जैसे होता जाएगा यहाँ से लोग निकलते जाएंगे, बिकॉज ये बिल्कुल घना जंगल है जहाँ भी हम लोग हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ट्रैकिंग भी अच्छी खासी है। इफ़ यू प्लान टू कम टू दिस प्लेस, तो आपको ट्रैकिंग के लिए भी तैयार रहना है। ठीक ठाक ट्रैकिंग है, हेल्थ इश्यूज़ वाला बंदा कोई प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। तो दिस इज लाइक, बहुत दिनों बाद मैं इतनी लंबी ट्रैकिंग करके कहीं जा रहा हूँ। ये देखो आप किस तरह का रास्ता है, मैन वर्सेस वाइल्ड चल रहा है इधर। बट मज़ा आया, मतलब अभी तक भी जो हम लोग का सफ़र रहा है, रियली इन्जॉयड इट। थोड़ा थक गया हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बट स्टिल ये देखो आप। मैं सोच रहा हूँ मैंने चप्पल पहन के बिल्कुल सही किया आज, चप्पल नहीं तो क्रॉक्स परफेक्ट है। ये किस 52 सीढ़ियाँ चढ़नी है। 52 तो मैंने नाम दिया है इसका भाई, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर। अब लग रहा है हम इसको 52 सीढ़ी बोलते हैं। अच्छा, 52 सीढ़ी चढ़ोगे तभी पहुँचोगे। ये 52 सीढ़ियाँ शुरू हो चुके भाई, गिनते रहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं थक गया भाई, अब मैं नहीं गिन रहा, आगे का तुम लोग गिनो। 3 स्टेप का 1 मेजर योर 3 स्टेप्स एंड टेक 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3। तो वो लोग काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं भाई। और गाइस देख सकते हैं मतलब किस तरह का जंगल है भाई। ज़्यादा लेट तक यहाँ रुकना भी ठीक नहीं रहेगा, बट ऑलरेडी अभी 4 बज चुके हैं। सो लेट्स सी, काफ़ी सीढ़ी चढ़ चुके हैं भाई। ये देखो आप, सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही है। काउंटिंग कहाँ तक पहुँची थी? 10 तक। 10 के बाद आपने गिन लिया होगा, आगे गिन लो। और घंटी बजाना ज़रूरी है। देखो ये भी थक के बैठ गए, अभी लग रहा था ये लोग कितनी ऊपर है। नहीं अब बस नीचे, और अभी यहीं दिखाई दे रहे हैं। बस अब डाउन कर पहुँच गया। चलो क्या भाई, चढ़ गए चढ़ाई? अरे बढ़िया, अरे सुल्तान कर ले चढ़ाई।
ये है भाई जिसके लिए हम लोग इतनी दूर से चलते हुए आए हैं। तो ये जो झरना है भाई जिसके लिए हम आए थे। तो भाई यहाँ आना था भाई, पहला आदमी जा चुका है अंदर। एक एक करके भाई सारे धुरंधर तैयार। भाई मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। अल्टीमेट प्लेस पे भाई हम लोग, ठंडा बहुत खतरनाक है बट मनोरंजन कम नहीं होना चाहिए। अब तो डाल दो फर्क नहीं पड़ता, अब तो होली अंदर। Nothing ever stays the same once you let it go. एक और बार छलांग लगा, one more time bounce back, one more time। मुझे बता रहे हैं लगने नहीं वाला। मजा आ रहा है खतरनाक ठंड है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है बट अपने को ठंड नहीं लगती है भाई जब मतलब इस टाइप का भाई कुछ देखने को मिल जाए तो आदमी को ठंड नहीं लगती है। तो ये सामने ये दिखाई दे रहा था अपने को और सब फुल जोश में थे एंड इवन आई वॉज इन द फुल जोश एंड ज़बरदस्त मज़े किए हमने इस वाटरफॉल में। तो भाई अभी हम लोग का टाइम हो चुका है और नाउ वी आर गोइंग बैक टू अवर कास्ट एंड ये झरना आप देख सकते हो भाई। बाय बाय टाटा एंड आगे की तरफ निकलते हैं और ट्रैक वापस करना है अराउंड 1.5-2 किलोमीटर का, तो वो देखते हैं। और ये मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर है, तो ये मंदिर है और झरना तो आपने देख ही लिया किस तरह का झरना है। यहाँ पे काफ़ी हाइट से आ रहा है। बाप बावन सीढ़ी है भाई, गिनते हैं साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके आगे भाई आप गिनो क्योंकि ये आ गया है फ्लैट और उसके आगे बहुत और सीढ़ी है। यहाँ इसके अंदर भाई शायद कमोडो ड्रैगन छुपा हुआ है कुछ अंदर, शायद कीड़ा डे का आवाज़ है, बहुत ही खतरनाक आवाज़ निकाल रहा है इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं ज़्यादा। यहाँ से हम लोग कट लेंगे नीचे की तरफ। गाड़ी पहाड़ वही है, इधर ख़त्म है रोड, वही मैं बोल रहा था ना, इसके आगे रोड ख़त्म है थोड़ा और ऊपर जाके कहीं से कहते हैं पहाड़ है ना पूरा इतना इतने बड़े बड़े, कहाँ कनेक्ट करेंगे काट के हैं? काफल लगे हैं इतना कौन ये तो बहुत ऊपर है। अच्छे खूब सारे ऊपर हैं, काफल का सीजन है भी, शाही देवी भी हो सकते हैं काफल। लॉन्डो को देखे काफल
लगे भी हैं ऊपर ऊपर, बहुत हाइट में यार। नो प्रॉब्लम, वील गो टू शाही देवी टुमारो। ये स्पेशल फ्रूट है भाई इधर का, स्पेशल फ्रूट है ना पहाड़ों का, ये हरे का फल है इसमें यहाँ पे। लेकिन ये शायद हिमाचल हिमाचल में भी होते हैं कि नहीं होते हैं? हिमाचल में भी होते होंगे, उत्तराखंड भूटान में होते हैं सुना मैंने। सो होप यू एंजॉयड वॉचिंग रुद्रधारी फॉल्स एंड आप भी जल्द प्लान करेंगे टू कम टू दिस प्लेस। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहे हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग द इंडियन सेलर।